सो पी ब्लॉक का बोरॉन फैमिली आज स्टार्ट करने वाले हैं उससे पह, पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं तुम्हें बता दूं इसके बाद बड़े ही प्यार से बड़े इतमान से बोरॉन फैमिली का जितना भी कंटेंट क्लास में कवर होगा वो वो सारा अपने को क्लास में लर्न हो जाएगा वो मेरी गारंटी है।, है और नोट्स के लिए कॉपी खोल लेना क्योंकि बहुत ही वैल्युएबल तरीके से अपन चीजें लिखने वाले हैं इस तरीके से जैसे नहीं लिखी जाती है कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाई जाती है कन्वेंशनल तरीके से रट्टा मारा जाता है और फाइनली रिजल्ट ये निकलता है कि हम इनऑर्गेनिक भूल गए तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से

24 का अगर वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उनको आ, किसी भी बैच का एक्सेस मिल जाएगा जो भी बैचेस ऑन एंड ऑफ लॉन्च होते रहते हैं चाहे वो छोटे बैचेस है चाहे वो रिवीजन चाहे वो एडवांस बैचेस है सभी का एक्सेस मिल जाएगा अलोंग विद द ईयर लॉन्ग कोर्सेस ठीक है और ये बहुत जबरदस्त डिस्काउंट है उड़ान कोड यूज करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं ठीक है और एडवांस की क्लासेस अब शेड्यूल होने वाली है इसके अंदर ये सिक्सटीन हंड्रेड में मिल रहा है योद्धा आपका जो है जो कि जो ट्वेल्थ में बच्चे आए हैं उनके लिए बारह महीने का कोर्स है ये पर्टिकुलर बैच है अगर आपको देखो पढ़ के देखो हम लोग हैं उड़ान टीम है तो हम लोगों से आप पढ़े हुए तो हम हम की, की दो साल का कोर्स है लेकिन इसमें अभी फिलहाल आपको एक साल के लिए एनरोलमेंट मिल रहा है यह भी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में आपको मिल रहा है सिक्सटीन अप्रिल से बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है थीके? चलो आप स्टार्ट करते हैं बोरा जल्दी से ज्वाइन कर लो फटाफट Uh, मैम नमोसर पूर्णिमा हम बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल बैचेस निकल गए हैं इसलिए यूट्यूब पर अभी जे एल डी फाइव डॉ नहीं लाएंगे मैम आई लव योर टीचिंग दैट इज आई एम टा बेटा अगर तुम मुझसे पढ़ना चाहते हो तो क्यों नहीं पढ़ेगी मैम स्मॉल बैचेस में पढ़ाए चाहे लार्ज बैचेस में पढ़ाए कंटेंट पूरा मिलेगा तुम टेंशन मत करो ठीक है आज सिर्फ बोरऑन फैमिली करेंगे बेटा जितना करेंगे बहुत अच्छा करेंगे ठीक है गुड इवनिंग तरंग गुड इवनिंग एवरी गु� वन हाँ हाँ बोर फैमिली अब देखना कितना मजे में लर्न करोगे पता ही नहीं चलेगा टाइम कितना निकल गया और ये पता चलेगा कि कंटेंट कितना हो गया मजा आएगा जब कंटेंट कितना हो गया और टाइम का तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा हमको ठीक है तो देखो ये है तुम्हारी बोर फैमिली पी ब्लॉक की आज शुरुआत करने जा रहे हैं दिस इज योर बोर फैमिली बीच बीच में ओरल टेस्ट लूंगी बेटा ध्यान रखना तो चीजें लर्न करते जाओ पॉइंटर्स डाल डाल के बोरॉन एल्यूमिनियम इंडियम थैलियम कौन से पांच मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर फैमिली में बोरॉन एल्यूमिनियम इंडियम थैलियम किस ट्रिक से लर्न करते हैं बैंगन आलू गाजर इन थैली इज द ट्रिक बैंगन आलू गाजर इन थैली बोरॉन एल्यूमिनियम इंडियम थैलियम सबसे पहला टास्क जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये है अटोमिक नंबर जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं कि भैया अटोमिक नंबर का क्या करना है तो बोरॉन तो सबको पता है फाइव फाइविक नंबर का होता है ना बचपन में याद कर लिया था ना जूनियर के में

क्लासेस अभी अभी इट की क्लासेस चल रही हैं अब एडवांस की चालू होंगी सो so, 49 81 पूछूंगी देखते हैं कितने बच्चे कौन सबसे पहले आंसर करेगा कि मैं कहूंगी 49 किसका एटॉमिक नंबर है तो तुरंत बोलना इंडियन का ठीक है 81 किसका है थेलियम का है तो एटॉमिक नंबर्स पांचों याद कर लो 5 13 31 49 एंड 81 ठीक है अब सीधा अपन इस फैमिली पे चलते हैं क्या मैंने तुम्हें कहा है कि बच्चों एनसीईआरटी की ये टेबल बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है इवन जो बच्चे नीट की भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये टेबल बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है जेई में तो इस टेबल में से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं तो ये टेबल मैं आपके ऑलरेडी लगा के लाई इसको एक्सप्लेन करूंगी और इसके चार पांच पॉइंटर्स मैंने तुम्हें क्लास में याद कराने हैं सबसे पहला पॉइंट है मैंने कहा था जो चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसी ही होंगी उन्हें मत ध्यान रखो क्योंकि इतना ध्यान रखोगे तो दिमाग की इतनी कैपेसिटी थोड़ी लाइब्रेरी बहुत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसी बर्बाद मतलब

कौन है नियोन, नियोन के बाद 3P1, कोई पूछे आपसे फिर गैलियम की तो गैलियम से आपकी एंट्री हो जाती है थ्री डी क्योंकि जिंक तक थ्री डी भर के आते हैं ना तो थ्री डी की एंट्री हो जाती है तो आर्गन लगा के थ्री डी टेन फोर एस टू फोरपी वन ठीक है फिर क्रिप्टन लगा के फोर्टी टन फाइव एस टू फाइव पी वन और फिर एफ फोर्टीन भी भर चुका होता है थेलियम में इसीलिए उस पर नट पे फेक भी आता है जो मैं अभी बताऊंगी तो ये रही कॉन्फिगरेशन अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है एक साथ प्रैक्टिस कर लोगे पूरी पी ब्लॉक की तो वैसी हो जानी है ठीक है अब एटोमिक रेडियस यहां मैंने एक लाल रंग का निशान लगाया है अंदर भी लगा देती हूँ जरा अटोमिक रेडियस पे गौर फरमाइए बच्चों जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हर बार एक एडिशनल प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बढ़ जाने से अटोमिक रेडियस बढ़ जाता है ये सारे बच्चे जानते हैं बट यहाँ आप देखो बोरॉन से एल्यूमिनियम का अटोमिक रेडियस वैसे ही बड़ा जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पर गैलियम का घट गया गैलियम का एटॉमिक रेडियस घट गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इरेग्यूलर ट्रेंड ऑफ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होता है एंड यू नो व्हाट व्हाट सरप्राइज डिड आई गेट फॉर यू जस्ट लुक एट द नेदर स्लाइड मैंने सारे वो ट्रेंड्स लिख दिए हैं जो कि रेगुलर हैं और मैं अभी आपको याद करवाऊंगी और इसमें से अगर आपने पूरी इनऑर्गेनिक को इस तरीके से कर लिया ना कि ये टेबल इससे रिलेटेड एस ब्लॉक में भी मैंने दिए थे ये पी में भी मैं दे रही हूँ ट्वेल्थ वाला जो पी ब्लॉक है वो अगर मैं करवाती हूँ प्रॉबेबली मैं एक वन शॉर्ट प्लान कर रही हूँ जिसमें ऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रेंड्स इन वन क्लास वो मैं करवाऊंगी तो ये स्लाइड्स तुम्हारी एक तो बहुत कम होंगी क्योंकि तुम्हारी टोटल फैमिली कितनी है अगर ब्लॉक की बनाए अपन छह और दो आठ है तो आठ पे आपको आठ पेज भी नहीं याद करने और आपके क्वेश्चन गारंटी से कवर होने वाले हैं इसमें से ठीक है तो चलो सबसे पहला पॉइंट याद करो एल्यूमिनियम और गेलियम में से किसका साइज बड़ा है गेलियम का एल्यूमिनियम का होना किसका चाहिए था गेलियम का होना किसका चाहिए था गेलियम का बड़ा किसका है एल्युमिनियम का लर्न करिए इसको है ना उसके बाद इंडियम का तो बड़ा जैसा बढ़ता है फिर थैलियम का यार उतना नहीं बड़ा तुम देखो थैलियम सबसे नीचे आता है तो थैलियम में एक एडिशनल प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ऐड चाहिए था ऐड हुआ भी सही पर साइज नहीं बढ़ा 4f की पुअर शील्डिंग थ्री 3d की पुअर शील्डिंग गैलियम में गैला है ये गैलियम में एल्यूमिनियम की वजह से जो मतलब एल्यूमिनियम बोलियो जिंक की वजह से जिंक में 3d की फिलिंग होती है तो 3d की पुअर शील्डिंग से गैलियम का साइज घटा और आपके 4f की पुअर शील्डिंग से आ, आपके थैलियम का साइज घटा थ्री डी की घटिया शील्डिंग की वजह से डी की घटिया शील्डिंग से गैलियम का साइज घटा

तो आइनर्जियन थे डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए ये बात भी सही है तो हमने देखा कि बोरॉन की है तुम देख लो किसी की भी नहीं है बिल्कुल सही है होनी भी चाहिए जब सबसे छोटा एलिमेंट है तो सबसे मुश्किल होगा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना करेक्ट लेकिन बोरॉन के बाद जब हम एल्यूमिनियम में आए फाइव सेवेंटी सेवन घटी मंजूर है क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना ईजियर हो रहा है जहां आठ सौ एक पर मोल में निकल रहा था फाइव सेवेंटी सेवन किलोजूल में मोल में निकल रहा है सस्ता हो रहा है इलेक्ट्रॉन निकालना एक्सेप्टेड अबे ये क्या हुआ यार बढ़ गई थोड़ी सी बढ़ गई 577 से 579 थोड़ी सी बढ़ गई क्यों क्योंकि साइज में वो वेरिएशन नहीं ना आयोनाइजेशन एनथेलपी घटी नहीं समझ में आ रहा है जब साइज बढ़ता है तो आईपी घटती है साइज बढ़ा कहाँ एल्यूमिनियम से गैलियम का तो साइज बल्कि छोटा हो गया तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो कि घटनी चाहिए थी वो बढ़ गई तो ये बढ़ गई उसके बाद में आ जाओ तुम किसमें इंडियम में इंडियम की फिर घटी जो कि हमें एक्सपेक्टेड था कि यार इंडियम की घटेगी तो घट गई और इधर देखो थैलियम थैलियम की फिर बढ़ गई तो यार ये जो ट्रेंड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अजीब सा ट्रेंड है तुम खुद देखो घटी बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी, बड़ी, बड़ी। आयोनाइजेशन ट्रेंड इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट थ्री डब्ल्यू स्ट्रक्चर से आप इसको याद कर लो ठीक है तो अब यहां देखो बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम अब इसका अगर ऑर्डर पे क्वेश्चन आ जाए तो इफ अ क्वेश्चन इज आज ऑन द बेसिस ऑफ कि ये इनमें से बोरॉन फैमिली के कंपाउंड्स का करेक्ट ऑर्डर ऑफ आइनाइजेशन इंथे क्या है तो वैसे तो अपनी ट्रिक होती है ना बोर बैंगन आलू गाजर इन थैली तो इसको कैसे करोगे तुम इसको करो बैंगन इन थैली क्योंकि बैंगन के बाद जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आ रही है वो सीधा थैलेम के आ रही है 801 के बाद नेक्स्ट नंबर 589 है तो बैंगन इन थैली एंड गाजर आलू इन कुछ भी लो बैग बैंगन इन थैली बैंगन तो थैली में है और गाजर आलू बैग में ऐसे भी लर्न कर सकते हो तो देयर आर देर आर टू मेथड्स देर आर टू मेथड्स ठीक है जिसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हो पहला एक शेप का स्ट्रक्चर जो मेरे एक प्यारे से स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया है मेरे प्लस के प्यारे से स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया है क्या है बोरन एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम थैली दूसरा बैंगनियन थैली एंड गाजर आलू इन बैग मैं दोपहर से फाइट कर रही हूँ गाजर आलू किस में डाले? है। मैं छोड़ो। तो इन, गाजर आलू इन बैग अब त्र... याद कर लो कि आयनाइजेशन थाली का ट्रिक है चाहे डब्ल्यू से कर लो चाहे बैंगन इन थैली एंड गाजर आलू इन बैग तो बैंगन इन थैली यानी बोरॉन फिर थैलियम गाजर आलू यानी गैलियम है ना आलू मैंने एल्यूमिनियम

शुरुआत से आखिर में फिर बड़ी बड़ी घटी ये घटी मतलब शुरुआत से आखिर में जाना है फिर यू आगे बढ़ना है ऐसा सेमी सर्कल काटना है और फिर यू जाना है ठीक है ये घटता हुआ ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ठीक है चीजों को याद करो जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छे से लर्न करो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके बाद सीधा आखिर का नंबर आता है फिर इस तरीके से घटती चली जाती है डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी तो यार टू पॉइंट थ्री फाइव टू पॉइंट सेवन जीरो फाइव पॉइंट नाइन जीरो सेवन पॉइंट थ्री वन तो यार इतना ध्यान रखना कि बोरॉन फैमिली की डेंसिटी हमने याद नहीं करी है याद नहीं करी मतलब तो बढ़ रही है क्योंकि हम उसकी डेंसिटी के ऑर्डर याद करेंगे जो एब्रप्ट है तो अगर आपने कोई चीज याद नहीं कराई एमबी आपको एब्रप्ट है ही नहीं तो डेंसिटी इन जनरल आपकी इंक्रीज हो रही है बोरॉन फैमिली के की डेंसिटी रेगुलरली बढ़ती है देर इज नो प्रॉब्लम मेल्टिंग पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन का देखो वेरी इंपॉर्टेंट है तो मैं फिफ्थ नंबर इसको लगा रही हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन का सबसे हाईएस्ट है और उसके बाद सबसे घटिया किसका है गैलियम का पता तो है बोरॉन अपनी अजीब सी क्रिस्टलाइन लैटिस की वजह से बहुत ही जबरदस्त मेल्टिंग पॉइंट एग्जिबिट करता है अपने पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा सख्त सब तो मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट होता है इसका कंपैरिजन जेई के क्वेश्चन में कार्बन के साथ किया गया है क्योंकि बच्चे ये तो याद रख लेते हैं कि बोरॉन फैमिली में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन का है और कार्बन फैमिली में कार्बन का है बट ये कंपेरिजन करना भूल जाते हैं कि बोरॉन और कार्बन में से किसका है तो बोरॉन का ढाई है कार्बन का करीब चार है मेल्टिंग पॉइंट तो भूलना नहीं कि बोरॉन

आखिरी वाला याद रखें हाईएस्ट एंड लोएस्ट पट्टी आपको याद रखना है और फिर बॉइलिंग पॉइंट तो इनका ठीक है रेगुलर बेसिस पे इनका घट रहा है जैसे थ्री नाइन है फिर टू सेवन है फिर टू सिक्स है फिर टू थ्री है फिर वन सेवन है ठीक है आई थिंक इट इज क्लियर पॉइंटर्स बन गए इस टेबल में हमको पांच पॉइंट निकल के आ रहे हैं मैं तुम्हारे ओरल टेस्ट लेना शुरू कर रही हूं इसको लर्न कर लो हाथों हाथ सेशन बहुत लंबा नहीं होगा लेकिन बहुत वैल्यूएबल और बहुत क्वालिटी वाला होगा तो अपन इसको अभी के अभी याद करेंगे एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम और गैलियम में से किसका ज्यादा होता है एल्यूमिनियम का होना किसका चाहिए था गैलियम का इरेगुलर ट्रेंड ठीक है इंडियम और थैलियम का ध्यान रखना बराबर सा होता है एटॉमिक रेडियस बराबर सा होता है ज्यादा फर्क नहीं होता तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो कि में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस तरह का क्वेश्चन कि इनमें से कौन से पेयर्स है और इनफैक्ट फैक्ट वेरी वेरी रिसेंट वेरी रीसेंट था कि की कौन से पेयर्स के एटॉमिक साइजेस एक जैसे हैं तो हमें उस टेबल को इस तरह से पढ़ना है कि हाँ एक जैसे वालों का हमारा लिस्टअप हो जाए तो इंडियम थैलियम एक जैसे है बहुत ज्यादा फर्क नहीं है तीन का ही तो डिफरेंस था देन आयोनाइजेशन इन थे दो ट्रिक्स बताई है बैंगन इन थैली एंड गाजर आलू इन बैग पहला तो ये दूसरा घटी बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी लेकिन इसमें दूसरी वाली आम का ध्यान सबसे ज्यादा ये हो गया फिर ये हो गया फिर ये हो गया फिर ये हो गया फिर ये हो गया, 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 गया मतलब वन टू थ्री फोर फाइव ये इसकी शक्ल से याद रहेगा ठीक है तो बैंगन इन थैली इन गाजर आलू इन बैग चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन की जो है वो सबसे ज्यादा टू है, तो है और उसके बाद में एंड में पहुंच जाओ एंड में है थैलियम और उल्टे आने शुरू कर दो थैलियम इंडियम गैलियम एल्यूमिनियम देखो ऐसे चलो तो बिल्कुल सीधा चलेंगे एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम तो बोरॉन के बाद थैलियम पे जाके उल्टे आने शुरू कर दिया ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है लर्न करना है डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है जनरली स्टेटमेंट को नोट्स में डाल देना ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि डेंसिटी पे क्वेश्चन आ गया मैम ऐसा तो नहीं हमने कुछ स्किप कर लिया नहीं हमने कुछ स्किप नहीं किया बोरॉन फैमिली की डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है मेल्टिंग पॉइंट देखो बोरन का एक्सेप्शनली हाई है और गैलियम का एक्सेप्शनली लो है आई होप इट इज क्लियर एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ वो इन पेरफेक्ट की वजह से डाउन द ग्रुप बढ़ती है सारे पॉइंट्स क्लियर है शुड आई टेक द टेस्ट नाउ एक पानी का गुट पी लेते हैं और फिर टेस्ट स्टार्ट करते हैं बेटा कल भी इसी की क्लास है सेम टाइमिंग पे कल कंपाउंड कराऊंगी सारे क्या होता है ना एक ही क्लास में खूब सारा पढ़ने लग जाते हैं तो फिर क्या होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भूलने की टेंडेंसी होती है तो आज इसको अच्छे से लर्न कर लेना कल तुम्हारी लंबी क्लास होगी जिसमें कल की क्लास में से गारंटी से क्वेश्चन आएगा क्योंकि आपका डायबोरिन हो गया या ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया इनमें से तय क्वेश्चन आता है जेल में

बिल्कुल सही तो काफी बच्चों ने बता दिया कि थैलिया में अब मुझे बताओ कि थर्टी वन ए नंबर वाला कौन सा एलिमेंट है छोटे 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 क्वेश्चन पूछ रही हूँ तुमको लर्न करवाने के लिए थर्टी वन थर्टी वन थर्टी वन को थर्टी वन ए नंबर वाला बोलो जल्दी से हेलो हर्षित अग्रवाल इट इस गेलियम अगेन ने वापस पर सबसे पहले सही आंसर दिया है उसके बाद में फिर प्रियांशी उसके बाद, में उसके बाद में सही। अच्छा अब मुझे बताओ कि, आ, इस में सबसे किसका होता है। -फड़ बोलो। highest, highest. सबसे आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है और अगर जिसको ऑर्डर याद है वो पूरा ऑर्डर अरेंज कर दे बोरॉन का शाबाश सही शाबाश केलीग्राफी वर्ल्ड वेरी गुड बोरॉन अब जिसको याद है वो फटाफट अरेंज कर दो इजेशन इन थे जल्दी फटाफट और सेशन को लाइक मत क्या करो है ना बोले भी ना तो करी मत दिया करो हाँ ये सही ने अरेंज किया है थोड़ा सिंपल में गड़बड़ कर दिया जल्दबाजी में बोरॉन इन थैली गाजर आलू इन बैग

शाबाश ज्योतिर में टीम उड़ान क्या बात है वेरी नाइस इंडियम का सबसे कम होता है अच्छा मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका होता है मेल्टिंग पॉइंट इस फैमिली में मैक्सिमम किसका होता है लाइक कर दो लाइक कर दो लाइक भी कर दो मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका होता है प्रियंजी तो बहुत सारे आंसर सही दे रही मैं देख रही हूं बोरॉन का सबसे ज्यादा होता है लेकिन बोरॉन और कार्बन में से किसका ज्यादा होता है बोरॉन और कार्बन में से किसका ज्यादा होता है बोरॉन और कार्बन में से किसका ज्यादा होता है क्विकली शाबाश अनुस्तुप आई थिंक अनुस्तुप वॉज देयर इन माई अंतिम युद्ध बाच टूडे यस इट इज कार्बन दिव्यांशी इट इज कार्बन हर्षित अग्रवाल कार्बन के साथ साथ हंस भी है ना वो मेरे को पता लग रही तेरी ट्रिक ठीक है इट इज कार्बन ओके मैम आप जो सोचो मैं मंजूर है बस आप जल्दी से ले आओ बस जल्दी बेटा तो आज ही रात को बैठ के मैं नोट्स बनाऊंगी कल कल या परसों नहीं तो इसको शेड्यूल कर देंगे ठीक है? अच्छा अब मुझे बताओ फैमिली में किसका होता है मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इस फैमिली में किसका होता है हाँ हाँ रिया पक्का पक्का बेटा जरूर गैलियम तो मैं पता है गैलियम जो है वो हाथ के तलवे पे पिघल जाता है पता है तुम्हें हाथ के तलवे पे पा, पाम मेल्टिंग होता है वो इतना तीन सौ तीन ही तो होता है उसका है ना तो तीन सौ तीन कैलविन तो कितना सा हुआ यार कुछ भी नहीं हुआ तो यही पे मेल्ट हो जाता है तो गेलियम को पाम मेल्टिंग बोलते हैं जबकि बोरॉन का ढाई हजार तक जाता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और आपका कार्बन का फिर चार हजार जाता है अच्छा बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे दिमाग में आ रही थी बोरॉन की ये जो प्रॉपर्टी है इवन उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कितना ज्यादा होता है बोरॉन का तुम देखो अगर तुम इसका बॉइलिंग पॉइंट भी देखोगे बोरॉन का तो काफी ज्यादा होता है थ्री नाइन टू थ्री इतना हाई बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से इसको टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है तो यार इनऑर्गेनिक में ना बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है इनऑर्गैनिक तुम्हें जितनी चीजें पता हो ना उतनी कम है और रट्टा मारना होता है बहुत ज्यादा तो जितना मेरे को लगता है मैं बताती जाऊँ बताती हूँ तो बोरॉन जो है पर्टिकुलरली अपने हाई बॉइलिंग पॉइंट की वजह से क्योंकि बॉइयल बहुत हाई पे होता है तो काफी हाई टेम्परेचर तक ये बॉइय नहीं होता तो इसीलिए इसको किस में यूज किया जाता है इसको यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस में हाँ बिल्कुल देख सकते हैं खुशी धड़ल्ले से देख सकते हैं ये सेशन जो बच्चे नीट की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत यूजफुल रहेंगे और इसके लिए तुम एक एक्सपेरिमेंट करो एक चैप्टर मुझसे पढ़ो चाहे रिकॉर्डेड चाहे लाइव और फिर अपने नीट के पीवा लगा लेना तुमसे आराम से से सॉल्व हो जाएंगे जेई के साथ साथ नीट का बच्चा कोई कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है चलो अब अपन आगे प्रोसीड करते हैं एक और आखिरी बार बता दो आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम किसका होता है फटाफट आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम किसका होता है जल्दी से लर्न हुआ क्यों नहीं हुआ यार देखो मैं क्या कर रही हूँ चीटिंग करवा रही खुद ही आंसर भी दिखा रही हूँ क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ ये बात बात पोटेंशियल की भावेश भावेशम से आंसर ला रहा तू आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम किसका होता है इंडियम का होता है गैलियम का सबसे कम क्या होता है इंडियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है लेकिन गैलियम का सबसे कम क्या होता है बाय वे सबसे कम गैलियम का होता है वो मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली वेरी गुड चलो अब ये तो हमें बहुत आसानी से चीजें आती हैं और इनमें तो कोई नई बात है ही नहीं हमने अच्छी अच्छी चीजें लर्न कर ली लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एस टू एन पी वन होती है तो कोई आपसे बोरॉन की पूछे तो हीलियम टू एस टू टू पी वन ठीक है कोई आपसे एल्यूमिनियम की पूछे तो क्या आ जाएगा नियोन थ्री एस टू थ्री पी वन क्योंकि नियोन इज द नेक्स्ट नोबल गैस फिर उसके बाद में कोई आपसे गैलियम की पूछे तो फिर आर्गन और उसके बाद में आपके थ्री डी टेन भी आ जाएगा फिर फोर एस टू फोर पी वन तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि गैलियम के अंदर कौन एंटर कर जाता है थ्री डी टेन और जो आपका थैलियम है लास्ट वाला एलिमेंट ठीक है उसके अंदर फोर एस फोर्टीन एंटर कर जाता है तो बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वेरी इजी टू तो लर्न है एटॉमिक रेडियस की बात करें तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज सबको पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है लेकिन गैलियम का एटॉमिक रेडियस एलुमिनियम से लेस होता है एक्सेप्शन है अभी अभी लर्न किया कि कियाम गैलियम का कैसा होता है एक्सेप्शन होना कैसे नहीं था गेलियम का बड़ा होता किसके एल्यूमिनियम का बड़ा उसके अलावा आखिर में एक और एक्सेप्शन की लास्ट के जो दोनों एलिमेंट्स होते हैं इंडियम थैलियम उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल लगभग सॉरी उनका जो साइज है वो लगभग बराबर होता है तो आप ध्यान रखें कि कभी आपसे कोई पेयर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लेता है कि किसके साइजेस बराबर है तो दैट इज वन

क्वेश्चन नंबर वन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस वेरी आंसर इसका क्या हो जाएगा बी क्योंकि होना के को बड़ा चाहिए था बट होता एल्यूमिनियम बड़ा है ठीक है अच्छा आयोनाइजेशन इन तालबी को बता दिया बैंगन इन थैली बट गाजर आलू इन बैग बैंगन इन थैली बट गाजर आलू इन बैग बैंगन इन थैली तो उल्टा कर दिया मैंने एक दो एक दो तीन चार और पांच ऑर्डर तो सही लगाए हाँ बैंगन इन थैली और गाजर आलू इन बैग बैंगन इन थैली गाजर आलू इन बैग ठीक है चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने बताया था बोरॉन की सबसे हाईएस्ट होती है ठीक है और फिर इसमें सेमी सर्कल काट के लास्ट में आना और फिर इस तरफ चले जाना तो कि, क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा मतलब गैलियम तो उधर से फिर वापस उल्टे चलने शुरू हो गए फिर इंडियम की फिर गैलियम की फिर एल्यूमिनियम की लर्न हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सेमी सर्कल से याद रखना और आइनेशनपी को डब्ल्यू से याद रखना और क्या बचा था और कुछ डिफरेंट किया बस साइज तो हमें वैसे ही याद रहते हैं ठीक है अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो बोरॉन इज नॉन मेटालिक इन नेचर हमें मालूम है इट इज एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटालिक येट एक्सट्रीमली हार्ड और ब्लैक कलर का सॉलिड होता है प्रॉपर्टीज याद करो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बोरॉन ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बर्बाद ना हो जाए कहीं ठीक है काले रंग का मैं बुझू काले रंग का कौन है तो बोल देना कि बोरॉन है ठीक है नॉन मेटालिक येट एक्सट्रीमली हार्ड विद ब्लैक कलर इट एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स और अपने स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस की वजह से बोरॉन का अनयूजअली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बाकी मेंबर्स बहुत सॉफ्ट होते हैं

अगर याद है ना तो थम्स अप करते चले जाना डेंसिटी का ऑर्डर याद है आयोनाइजेशन का ऑर्डर किस सिंबल से याद किया हुआ है कौन से सिंबल से आयोनाइेशन फैमिली हमें ऑलरेडी याद है फटाफट पड़ से लिखो जल्दी से और सेशन को भी लाइक कर दो बेटा वेरी नाइस वेरी नाइस अच्छा उसके अलावा मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ किस एक वर्ड से तुमने बोरॉन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद किया एक पर्टिकुलर वर्ड से तुमने बोरॉन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लर्न कर लिया सेमी सर्कल शाबाश प्रियांशी शाबाश रिद्धि खुशी मतलब शुरुआत से आखिर में गए और फिर उल्टे चलने शुरू हो गए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ठीक है चलो आगे प्रोसीड करते हैं साथ, कौन सा वो पेयर है जिसका साइज ऑलमोस्ट सेम है कौन सा वो पेयर है जिसका साइज ऑलमोस्ट सेम है इंडियम थैलियम शाबाश और साइज का एक एक्सेप्शन है मतलब साइज बढ़ना चाहिए था लेकिन घट रहा है तो किसका साइज जो है वो ज्यादा हो गया एक ऐसा पेयर है जिसमें उलट पलट हो गया है ठीक है तो किसका साइज ज्यादा हो गया होना चाहिए था गैलियम का और हो गया है एल्यूमिनियम का मैम आपकी ड्रग्स वाली ट्रिक बहुत औसम है मुझे सारी याद हो गई है, और पी वाई भी हो रहे है। मैं यही सोच रही उस ड्रग्स वाले को और थोड़ा सा एक्सपांड करके हालांकि ये जेई में क्वेश्चन ड्रग्स में से ही बनते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का जो 90 परसेंट चांस होता है वो ड्रग्स का होता है 10 परसेंट चांस होता है फिर वो स्वीटनर्स हो गए या कुछ और हो गया उसमें से सवाल बनाने का लेकिन उसको भी हम थोड़ा सा उसमें इनपुट डालेंगे है ना तो लेकिन ड्रग्स में से ज्यादा चांस होता है मिस्ट्री लाइफ का क्वेश्चन आने का चलो ऑक्सीडेशन स्टेट केमिकल रिएक्टिविटी डू यू नो दैट डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो हमारा जो आखिरी एलिमेंट होता है विच इज थैलियम ठीक है बोर्नल एल्युमियम गैलियम इंडियम थैलियम थैलियम के अंदर क्या रहता है ये आपके प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स है ना तो आपका आउटर मोस्ट कौन सा एक सिक्स है ठीक है और एक सिक्स पी है आपको पता है बीच में फोर एफ की फिलिंग हो जाती है मैं सारे ऑर्बिटल्स नहीं बना रही हूँ आपको दिखा रही हूँ वो घटिया शील्डर्स जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो पावर पकड़ लेता है जब कोई शील्डिंग खराब करे ना जब भाई बहन बचाए नहीं तो मम्मी पापा पावर में आ जाते हैं और आप जो हो वो स्टडी टेबल के चिपक जाते हो इसको इनर्ट पेरफेक्ट बोला जाता है कि जब आपका फोर एफ घटिया शील्डिंग करे तो न्यूक्लियस सिक्स और सिक्स पी को अंदर खींचते हैं जिसमें से सिक्स जो है वो न्यूक्लियस का फेवरेट है तुम्हें बेंस रूल पढ़ाया हुआ है मैंने केमिकल बॉन्डिंग का कि एस का कितना फेवरेटिज्म होता है मतलब न्यूक्लियस अगर सबको बराबर ताकत लगा के खींचे तो भी एस ज्यादा अंदर खींच जाता है ठीक है तो एस न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अंदर खींच जाता है और 6s स्टार्ट बिहेविंग एज इनर्ट वो पार्टिसिपेट नहीं करता अच्छा अगर 6s और सिक्स पी दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री आएगी राइट right. लेकिन अगर सिक्स डर के मारे अंदर घुस जाए कि भैया फोर एफ ने डांट पड़ा दी मेरी तो लगा दी फोर ने न्यूक्लियस के द्वारा मैं अब मैं कहीं नहीं जा रहा मतलब मैं बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करूंगा खाली 6P करे तो प्लस वन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा थैलियम यानी डाउन द ग्रुप प्लस वन की सुपीरियोरिटी बढ़ जाती है क्योंकि लास्ट का एलिमेंट अपनी घटिया फोर एफ की शील्डिंग की वजह से एस के इलेक्ट्रॉन पेयर को पकड़ के बैठ जाता है लेकिन कहीं अगर तुमने उसका एस का इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लिया कि भैया हमें तो चाहिए तो वो तड़प जाएगा कहेगा मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस चाहिए कौन से वाले एस वाले क्योंकि मेरे फेवरेट है वो ठीक है तो एस के इलेक्ट्रॉन वापस लेने के चक्कर में प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है ऑक्सीडाइजिंग होती है ऑक्सीडाइजिंग मतलब दूसरों से छीनने वाली और प्लस वन कैसी होती है स्टेबल होती है ठीक है स्टेबल प्लस वन इज स्टेबल एंड प्लस थ्री इज ऑक्सीडाइजिंग फॉर ऑल द पी ब्लॉक फैमिली लास्ट के मेंबर की मैं बात कर रही हूँ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है जैसे कार्बन की प्लस टू प्लस फोर होती है तो प्लस टू इज स्टेबल एंड प्लस फोर इज ऑक्सीडाइजिंग ठीक है पीबीसीएलसीएल फोर में पीबीसीएल टू इज स्टेबल समझ में आ रहा है सबको ठीक है अरे वाह थैंक यू सो मच हर्षित अग्रवाल आई होप ये चीज सबको समझ में आ रही क्वेश्चन करो स वन ऑक्सीडेशन स्टेट गेट मोर स्टेल इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ वी क्वेश्वन जल्दी क्विक ये तो इजी से कॉन्सेप्ट है फटाफट से कवर हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इनर्ट इफेक्ट मूविंग अहेड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाँ बेटा अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्योंकि इनके बोरऑन फैमिली होते हैं उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तीन ही तो होते हैं अब अगर तीन इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डिंग कर, कर आके तीन का और जुगाड़ कर ले ठीक है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे छह ही तो हो पाएंगे सिर्फ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ हम इनको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज अब मसला ये है कि कंपाउंड्स तो भैया गरीब हैं। तुम हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स बनाती है बोरॉन फैमिली तुम जनरली पढ़ोगे तो बोरॉन फैमिली इज नोन टू बी अ गरीब फैमिली क्योंकि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं लेकिन सब अपनी अपनी गरीबी को दूर करने का अलग अलग रास्ता अपनाते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो जरा ये बोरॉन के जो है बी एफ थ्री हो गया बी सी एल थ्री हो गया है ना बी बी आर थ्री हो गया इनकी गरीबी दूर करने का मेथड है दे टर्न अप टू बिकम एसिड्स उनको दूसरे के इलेक्ट्रॉन में लालच आ जाता है ठीक है और दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करते हैं ठीक है इसको क्या बोलते हैं लुइस एसिडिटी तो गरीबी को दूर करने का एक मेथड है क्या है बिकम लुएस एसिड क्या हो जाते हैं ये लुइस एसिड्स तो देखो मैं एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट स्निप्स लाई हूं उसको रीड अच्छे से करना है अपने को कोई भी पॉइंट होगा हम उसको लर्न करेंगे इन ट्राइवेलेंट स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल बाय 6 ही होंगे सच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दस बिहेव एज लोएस एसिड तो ये पहला इम्पैक्ट है

तेरे पास क्लोरीन है वो गरीब नहीं है यू हैव क्लोरीन विच इज नॉट गरीब सो दिस क्लोरीन ऑफ yours can डोनेट द लोन पेयर ऑफ electrons into my vacant वेकेंट ऑर्बिटल एंड इन of ऑफ दैट chlorine क्लोरीन विल डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू योर वेकेंट ऑर्बिटल सो दैट वी बोथ आर नॉट नो मोर गरीब समझे एल्यूमिनियम कह रहे हैं मैं गरीब दूसरे एल्यूमिनियम को यू गरीब बट योर क्लोरीन इज नॉट गरीब

BCL3 इस तरीके का डायमराइजेशन क्यों नहीं करता है थैंक यू सो मच दिवाकर थैंक यू सो मच बेटा गॉड ब्लेस यू क्विकली बीसीएल BCL3 डज नॉट फॉर्म डाइवर बी ए बोरॉन इज ऑल्सो गरीब एंड क्लोरिन इज नो गरीब

तो तुम अगर थोड़ा सा इस तरीके का शॉर्ट नोट क्रिएट करना इन ऑर्गेनिक में प्रेफर करते हो तो लिख सकते हो इम्पैक्ट या इफेक्ट लिख सकते हो ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो इसमें क्या क्या आपके पॉइंटर्स बनेंगे पहला बनेगा लुइज एसिड्स का बन जाना बिकमिंग लुइज एसिड्स दूसरा बनेगा हैलोजन ब्रिजिंग हैलोजन ब्रिजिंग तो ये भी इन्हीं का इंपैक्ट हैलोजन ब्रिजिंग भी गरीबी दूर करने का ही एक साधन है ठीक है बी आर आई डी जी आई एन जी हैलोजन ठीक है ट्राइवल स्टेट में मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बिंग हाइड्रोलाइज होते हैं पानी में ठीक है दैट इज फाइन और पहली स्पीशी चार से ज्यादा नहीं करता जैसे जनरली ओ एच फोर बनाते हैं बट एल्यूमिनियम के पास थ्री डी हैं तो वो क्या बना देता है एल्यूमिनियम के पास थ्री ऑर्बिटल होने की वजह से वो पानी के साथ में ए एल एच टू सिक्स टाइप की स्पीशी बना सकता है आई थिंक ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है ठीक है चलो अब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ लर्न करना रहेगा इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न करेंगे ठीक है रिएक्टिविटी में अगर आप इस बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करो तो ऑक्साइड्स बनते हैं नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करो तो नाइट्राइड्स बनते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करो तो ऑक्साइड्स बनते हैं नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करो तो नाइट्राइड्स बनते हैं ऑक्साइड्स तो तो का फॉर्मुला E2O3 लाइक बी टू ठीक है नाइट्राइड्स का फॉर्मूला ई एन लाइक बी एन बहुत कॉमनली इन्होंने दोनों ही अब यहाँ से पढ़ लेते हैं कि कोई ऐसी चीज है कि जो हमको मार्क कर लेनी चाहिए बोरॉन अनरिएक्टिव होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म इंपॉर्टेंट है यार बोरॉन काला होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है और अपने हायर बॉइलिंग पॉइंट की वजह से इसको हायर टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है और ये नॉन मेटालिक येट एक्सट्रीमली हार्ड होता है उसके अलावा अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में इनएक्टिव होता है अनरिएक्टिव होता है इज दैट क्लियर क्या तुम्हें बोरॉन की सारी प्रॉपर्टीज लर्न हो चुकी है देखो लिखना शुरू करो चैट बॉक्स में धड़ाधड़ धार लिखना शुरू करो तो तु, और तुम्हारे नाम के साथ में तुम्हारे द्वारा लिखी हुई प्रॉपर्टी बोरॉन की पढ़ूंगी देखते हैं कितनी रिकॉल कर पाते हो काला सही ने बोला काला होता है ये थैंक यू तरंग प्रांसी को भी बस यही याद है कि काला होता है क्रिस्टलाइन होता है प्रियांशी नेट्रियम कह रही है काला होता है आर्यन कह रहा है ब्लैक होता है मैम आई एम ऑलरेडी हैविंग सम सब्सक्रिप्शन ऑफ अनदर प्लेटफॉर्म बट फॉर केमिस्ट्री आई ऑलवेज एडमायर यू आई फील वेरी कनेक्टेड विद यू थैंक्स फॉर थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सच अ बेस्ट टीचर दर्शिका ना ऐसे कमेंट लिखते हो ना तो फिर ना फोटो खींच के स्टेटस लग जाती है ठीक है

जबकि मेटेलिक नहीं है क्रिस्टलाइन स्टेटमेंट रिएक्टिव होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होने की वजह से इसको हाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है अपनी फैमिली में, में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाइज तोर्रम खान होता है सबसे ज्यादा होता है बट कार्बन के आगे जहां अपना तुम सी ग्रेट हो करता हुआ पाया जाता है मतलब कार्बन का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो है इससे भी ज्यादा होता है तो बोरॉन इज अनियक्टिव इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म अ वेरी थिन ऑक्साइड लेयर अगेन देखो एल्युमिनियम के बारे में ध्यान रखना है पता भी होगा तुमको कि एल्युमियम जो है वो वेरी थिन ऑक्साइड लेयर बनाती है ऑन द सरफेस जो कि वो इसको फर्दर अटैक से प्रिवेंट करता है इवन HNO3 के साथ रिएक्ट करके भी एलुमिनियम थिन लेयर बनाता है जिस जो कि इसको फर्दर अटैक से प्रिवेंट करता है हीटिंग विद बी तो पता है बी टू थ्री का और एल टू थ्री ठीक है एयर के साथ में ये बी टू थ्री बनाता है वो एल टू थ्री बनाता है यहाँ लिखा हुआ भी है विद नाइट्रोजन एड हाई टेम्परेचर दाइट्राइज वो भी हमें पता है जस्ट अभी हमने किया नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स वेरीज डाउन मैं इस स्लाइड को भी पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दूंगी डोंट वरी द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स वेरीज डाउन द ग्रुप हा यार

बोरोन के ऑक्साइड की नीचे जाने पर एसिडिटी रिड्यूस हो रही है पहला वाला एसिडिक बाद के दो एम्फोट्रिक नीचे के दो बेसिक एसिडिटी रिड्यूस हो रही है अब एसिडिटी के हम लोगों ने देखा तो जनरली हमें समझ में आया कि अगर हम इनऑर्गेनिक ऑक्साइड्स की बात करें तो एलिमेंट्स सेंट्रल एलिमेंट बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम सेंट्रल एलिमेंट के अलग होने पर एसिडिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निर्भर करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ज़्यादा एसिडिटी भी तभी तो बोरोन का ऑक्साइड हुआ एसिडिक और मिडल दो हुए एम्फोटेरिक और उसके नीचे हुए बेसिक क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही थी एसिडिटी भी घट रही थी अगर सेंट्रल एलिमेंट सेम रहता है और ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा बढ़ती जाती है तो एसिडिटी ऑक्सीडेशन स्टेट पे वेरी करने लगती है में हम ये देखते हैं कि जो माइनस आए और माइनस तो को बढ़ाते हैं ऑर्गेनिक के अंदर कि कॉन्जुगेट बेस कहीं एरोमेटिक वगैरह तो नहीं हो रहा है हो रहा है तो एसिडिटी बहुत अच्छी और अगर एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो बहुत पुअर एसिडिटी है बहुत घटिया है समझे तीसरी चीज एसिडिटी को जो इम्पैक्ट करती है वो होती है आपके ऑर्थो इफेक्ट जो कि स्पेशली औरतों तो यार ये तो सेट ऑफ रूल्स बन जाए तो बहुत प्यारी क्लास बन सकती है अपनी पंद्रह मिनट का या दस मिनट का एक वीडियो बन सकता है जिसमें अपन ने एसिडिटी को क्या किया क्लब कर लिया और सेट ऑफ रूल्स की पांच रूल खत्म खेल उसके बाद में सारे एग्जाम्पल डालते जाओ उसी में तुमको लगेगा मैं पच्चीस एक्साम्पल भी करा दूंगी तुम्हें लगेगा मैम इन पांच पे सारे सॉल्व हो रहे हैं तो इट विल बी अंडरफुल ग्लास एम गोइंग टू टेक दैट क्लास ठीक है तो चलो एनी पहला एसिडिक बाकी दो एम्फोटिक बाकी दो बेसिक तो ये हमने इस स्लाइड पर यह पढ़ा कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाता है एल्यूमिनियम पैसिव फिल्म बनाता है और ऑक्साइड्स ox की एसिडिटी डाउन द ग्रुप घटती है आगे बढ़ते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड अल्कलीज एसिड्स एंड अल्कलीज की तरफ इसकी जो रिएक्टिविटी है जरा उसको देखते हैं एल्यूमिनियम एम्फोट होता है हो ना सुनो जनाबे अली ने पंजाबी सॉन्ग बेकार गाया सबको याद होगी मेरी ये ट्रिक तो ये अलुमिनियम तो अच्छे खासा एम्फोट्रिक एलिमेंट है एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करता है बेस के साथ भी रिएक्ट करता है रिएक्शन आपको याद करनी करिए अल्युमिनियम जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है

आप ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि ये चीजें भी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं और आपके क्वेश्चन में आ सकती हैं एनसीआरटी की कौन सी चीज कैसे सवाल में आएगी आपको कभी नहीं पता लगेगा लेकिन हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्वेश्चन टी में से बना था तो कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड रेंडर्स एल्युमिनियम एसिड पर फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द दर्स मतलब एक बार आपने अगर इसको HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया ये फिर पैसे हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर लेयर बन जाती है फिर और फर्दर रिएक्ट नहीं करता दिस इज समथिंग विच यू हैव टू लर्न है ना थोड़ा इस पर फोकस रखना एल्यूमिनियम जो है वो एल्केली के साथ भी रिएक्ट करता है और क्या बनाता है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सोल्यूमिनेट बनाता है अच्छा इसका कोई ट्रिक कर लें क्या एनीवेज के साथ रिएक्ट करके ओएच लीगेंड होता है और एचसीएल के साथ तुम लोगों को भी अजीब सी आवाज आ रही है नहीं एचसीएल के साथ रिएक्ट करता है तो एएल3 प्लस और सीएल माइनस और एच2 ये तो इजी है यार किस तरह की आवाज आ रही है आई डोंट नो पता नहीं क्या मुझे नहीं पता क्या है ये खतरनाक आवाज आ रही है चलो एनीवेज ठीक है तो ये एएल वो तो सीएल माइनस हवा में जाते हैं मतलब फ्री हो जाते हैं देखो एएल3 प्लस सीएल माइनस और यहाँ पे क्या है ये आपका सोडियम हेक्सा सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो इल्यूमिनेट ठीक है हम्म

मैं कोई भूतिया महल मिल जाती हूँ जिसके दरवाजे टर टर करते हैं फटाफट बताओ टीएल आई थ्री तो क्या लग रहा है एग्जिस्ट ही नहीं करता <laughs> थैंक यू टू नेट्रियम एग्जैक्टली exactly. अनुष्ट विश्वास इन पेर इफेक्ट है ना क्योंकि अगर तुम देखो थैलियम और आई में थैलियम प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे आएगा थैलियम के लिए तो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेट, स्टेट स्टेबल होती है और हेलाइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की प्लस थ्री होती है तो ये एक्जिस्ट नहीं करता ठीक है तो एलिमेंट्स रिएक्ट विद हैलोजन्स टू फॉर्म ट्राइलेट्स एक्सेप्ट टीएलआई थ्री तो इसका भी ध्यान रखना कि एक्जिस्ट नहीं करता और उसके बाद में है एनोमलस बिहेवियर एनोमल बिहेवियर हमेशा आपको बहुत वैल्यू से वैल्यू से पढ़ना है क्योंकि तो इसमें से सवाल बनते हैं ठीक है चलो अपन रीड करके पॉइंटर्स निकालेंगे सर्टन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स कैन बी ऑब्जर्व इन द केमिकल बिहेवियर ऑफ थर्टीन ग्रुप एलिमेंट्स जैसे कि द ट्राइक्लोराइड्स ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स कोवेलेंट हैं एंड अ हाइड्रोलाइज इन वाटर ध्यान रखना कोवेलेंट होते हैं ठीक है और पानी में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं स्पीशीज टेट्राहेड्रल हमने अभी पढ़ा ही था कि ये ऑक्टाहेड्रल पानी के साथ बनाता है एक्सेप्ट इन बोरॉन ठीक है ऑक्टाहेड्रल नहीं बना सकता क्योंकि बोरान के पास वेकेंट ही नहीं होता इसमें कुछ नया नहीं है मोनोमिक ट्रायलाइज बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स हमने अभी जस्ट पढ़ किया ऐसा लग रहा है हम रिवीजन कर रहे हैं कि भाई लुईस एसिड कैसे स्ट्रॉग है वो किस चीज का इंपैक्ट है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंसी का इंपैक्ट है एक तो लुईस एसिड बन जाना इलेक्ट्रॉन डेफिशियं का इंपैक्ट है बट देयर वाज वन मोर इंपैक्ट जो हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशंसी की वजह से देखा था वो क्या था बताओ जल्दी जल्दी बताओ मैंने खुद ही अपने सेशन को लाइक नहीं किया <laughs> तो को मैं भी लाइक कर देती हैलोजन ब्रिजिंग शाबाश हैलोजन ब्रिजिंग ठीक है डायमर शाबाश डायमर फॉर्मेशन। ओके okay, चलो बढ़ते हैं आगे बोरोन ट्राइफ्लोराइड रिएक्ट्स विद लुइस एसिड बेसिस सच एज अमोनिया टू तो कंप्लीट ऑक्टेट ये हम पढ़ चुके हैं तभी उसी को लुईस एसिडिटी बोलते हैं ठीक है इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की मैक्सिमम कोवलेंस बोरोन का फोर ऑर्बिटल बचपन की बातें हैं ये पता होगे ना फर्स्ट एलिमेंट चार से नहीं बना सकता पता है तो uh, तो थ्रू हेलोजन ब्रिजिंग द मेटल स्पीशीड बाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हेलोजन इन द पड़ोसी मॉलिक्यूल अच्छे से पड़ गया इसमें कुछ नया नहीं है एवरीथिंग वी ऑलरेडी नो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब अब बोरॉन की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं और बोरॉन के कुछ मिनरल्स पढ़ लेते हैं बोरॉन का मैं अभी पढ़ा रही हूँ कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन जैसे कि बोरिक एसिड हो गया डाइ बोर हो गया जो भी वगैरह जो भी है मतलब टोटल मैंने गिने थे एट कंपाउंड गिनती में, में आए थे तो वो उसका सेशन कल है उसमें गैप नहीं डाला मैंने आज और कल रेगुलर में बोरॉन फैमिली अपन खत्म कर देंगे और क्योंकि मुझे चीजें लर्न करवानी होती है क्लास में सिर्फ पढ़ानी नहीं होती तो इसलिए मेरे को तुम्हारे फ्रेश माइंड फ्रेश ब्रेन चाहिए होते हैं ठीक है तो इसलिए कंपाउंड में एक साथ कल लर्न करवाऊंगी मिनरल्स ऑफ बोरॉन जो है ये ये हो गया बोरिक एसिड एंड चार मिनरल्स हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोरॉन का एग्जिस्टेंस आइकोसाहाइड्रेन के फॉर्म में होता है इस तरह की शक्ल होती है काफी हार्ड है इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है डिग्री सेल्सियस को तुम केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा वही आएगा जो तुम्हारा आया था ढाई हजार तुमने पढ़ा था ना कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन इज इस तरीके का क्योंकि बोरॉन एग्जिस्ट आइकोसाहाइड्रन में किस तरह के स्ट्रक्चर में, में करता है जो कि काला Non metallic yet extremely hard and with a very high melting point, and melting point is like 2300 degrees Celsius or dye. पिछहत्तर तिहत्तर कैलविन वो सारी चीजें हमें याद है एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्वेंटी ट्राइंगल्स हैं ट्वेंटी फेस्ड ये जो मेट्री होती है जिसमें आठ इक्विलेटर ट्राइंगल होते हैं ट्वेल्व आइसोस्केल्स ट्राइंगल होते हैं ये तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना है बोरॉन की केमिकल प्रॉपर्टी में अभी लर्न करवा रही हूं कंपाउंड्स कल कर लर्न करेंगे ऑक्सी हमें ये ऑलरेडी चीज पता है बेटा कौन सी चीज हमें पता है

एक्शन ऑफ एसिड एन एल्कली अगर हम इसमें बोरोन में एल्कली का पानी के फॉर्म में एडिशन करें तो एन बनता है प्लीज इसको लर्न करो लेकिन खाली एल्कली का करें तो एन बनता है ठीक है बोरोन में एच टू एसओ फोर एकदम हॉट एंड कंसनट्रेटेड तो एच थ्री थ्री बनता है और बोरोन में अगर हम एच एन ओ थ्री डालें एकदम हॉट एंड कंसनट्रेटेड तो एच थ्री बी ओ थ्री बनता है और बोनॉन में खाली पानी डालें तो भी एच थ्री बीओ थ्री बनता है मतलब बोरॉन में पानी डालने, डालने से और एच एन ओ थ्री डालने से एच थ्री बीओ थ्री बनता है प्लीज इसको लर्न करें ठीक है कैल्शियम के साथ में बोरान सी ए थ्री बी टू बनाता है मैग्नीशियम के साथ एम जी थ्री टू बनाता है एम जी थ्री बी टू की फर्दर हाइड्रोलिस करो तो फिर डायवोरिन बनता है जिसके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं अब मैं इसको रिव्यू कराती हूँ एक बार इस पेज को वापस पढ़ लो बोरन का ऑक्सीजन

और इसको अपन एंड करते हैं अच्छे से आज का लर्न होगा तो कल के कंटेंट में भी कॉन्फिडेंस आएगा आज हमने बोरॉन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट की हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट की हैं बट कंपाउंड्स हमने कल करने हैं सबसे पहली चीज जो तुम्हें याद रखनी थी वो ये वाला पॉइंट है याद है तो थम्स अप करते चले जाओ चैट बॉक्स में मजे आएंगे एनर्जीज हाई रहेंगी हाँ ये पता है हाँ ये पता है पूरा चलना फिर मैं टेस्ट लूंगी Uh, मगर हम बोरान फैमिली में डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज वैसे तो बढ़ना चाहिए था गैलियम का साइज बढ़ा होना चाहिए लेकिन बड़ा एल्युमिनियम का होता है क्योंकि पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो गैलियम एल्यूमिनियम से छोटा होता है इंडियम थैली में भी साइज जितना बढ़ना चाहिए उतना तो 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 बढ़ा ही नहीं तो ये वो पेयर ऑफ एलिमेंटर जिनके साइज हम अप्रॉक्सिमेटली सेम माने जाते हैं मान सकते हैं जैसे 167 पिकोमीटर सेवन पीकोमीटर वन सेवन सेम ठीक है आयोनाइजेशन इन थैलपी को आप डब्ल्यू के डायग्राम से याद कर सकते हो या फिर आप इससे याद कर सकते हो कि बैंगन इन थैली एंड गाजर आलू इन बैग ठीक है बैंगन इन थैली गाजर आलू इन बैग जो आपको आसान लगे वैसे आप कर लो तो ये डब्ल्यू से भी घटी बड़ी घटी बड़ी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखनी है टू तो याद ही हो गई होगी बोरॉन की फिर एक सेमी सर्कल है क्योंकि आप खुद के लास्ट में गए क्योंकि बोरॉन के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो थैलियम है और फिर उल्टे मूव करना शुरू कर दिया तो सेमी सर्कल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद हो गया डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है तो ऐसे बस ध्यान रखना है हाँ डाउन द ग्रुप बढ़ती है वैल्यूज इतनी याद हो भी नहीं सकते हमको मेल्टिंग पॉइंट में हमें पता है कि बोरान जो है वो काला नॉन मेटालिक बड़ा ही हार्ड एक्सट्रीमली हार्ड विद अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है इसीलिए हाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस में भी ये यूज होता है बट उसको भूल गए जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम था गैलियम पान पे पिघल जाता है समर्स में लिक्विड के फॉर्म में रहता है तीन सौ तीन केल्विन तीन सौ तीन कैलविन अगर आप देखो तो मात्र आपका कितना है पच्चीस छब्बीस डिग्री सेल्सियस है तो पच्चीस छब्बीस राजस्थान में तो पच्चीस छब्बीस में ठंड लगने लग जाती है हम लोगों को ठीक है हम तो पचास डिग्री में सर्वाइव करते हैं ठीक है तो ये तो बिल्कुल लिक्विड में ही रहेगा राजस्थान में तो ये कभी नहीं जमेगा कभी नहीं आगे बढ़ते हैं ये सारे पॉइंटर्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं इसको नोट्स में कन्वर्ट कर लेना है और अगर अभी नहीं करो तो मैं एक कॉमन सेशन वैसे ही लेने वाली हूँ और रेगुलर ट्रेंड्स ऑफ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट जिसमें मैं टेबल लाऊंगी

या तो पड़ोस वाले से ले लेंगे या खुद के वाले से ले लेंगे लेकिन ले, ले लेंगे तो हेलोजन ब्रिजिंग इज अनदर इम्पैक्ट जो एल्यूमिनियम एलु, के हेलाइट में या और एलिमेंट्स के हेलाइट में हमें देखने को मिल सकता है हालांकि बोरोन का जो है वो हेलोजन ब्रिजिंग नहीं करवाता क्योंकि साइज में छोटा होता है बोरोन ठीक है उसके अलावा ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनाते हैं नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाते हैं बोरोन में पानी डाल दोगे तो क्या बनेगा बोरोन में पानी डाल दोगे तो क्या बनेगा अरे वाह थैंक यू सो मच जानवी खत्म हो गई क्लास रिवीजन चल रहा है पानी डालने बोल रही हूं मैं यस रोहित ने सही आंसर किया बनेगा बिल्कुल परफेक्ट उसके अलावा नाइट्रिक एसिड के साथ में करता हूँ क्योंकि वो पतली सी लेयर बन जाती है फिर ये याद है ऊपर वाला एसिडिक फिर बाकी दोनों एम्फोटेरिक फिर बाकी अग, अगले दोनों बेसिक ये याद है एसिडिटी पे तो मैंने वैसे ही वीडियो बनाना है एल आई थ्री एक्सिस्ट नहीं करता है प्लीज इसको ध्यान रखना क्योंकि थैलियम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रुकेगा बस हो गया खत्म और ये भी लर्न करवा दिया कि ऑक्सीजन के साथ बी टू ओ थ्री नाइट्रोजन के साथ बी एन बनाता है पानी के साथ एच थ्री बी ओ थ्री एच टू एस ओ फोर के साथ एच थ्री बी ओ थ्री और एच एन ओ थ्री के साथ भी एच थ्री बीओ थ्री ठीक है और एनओ एच के साथ में अगर तुम रिएक्ट करोगे तो एन ए बी ओ टू और पानी भी डालोगे तो खाली एनओ एच डालोगे तो एनए थ्री बी ओ थ्री हो गया हमको ये लर्न खत्म ठीक है एक टेस्ट हो जाए बताओ फटाफट से इंडियम का एटॉमिक नंबर इंडियम का एटॉमिक नंबर वेरी गुड रोहित शब्बास होता है फोर्टी नाइन होता है उसके बाद मुझे बताओ कि जो आपका डब्ल्यू वाला अपन ने ट्रिक याद की थी वो कौन से वाले ट्रेंड को एक्सप्लेन करने के लिए की थी या फिर बैंगन इन थैली एंड गाजर आलू इन बैग ये किसकी ट्रिक थी और जो बैंगन इन थैली मत करना इसको बैंगन थैली में करना क्योंकि इन थैली में तो फिर इंडियम आ जाएगा क्योंकि बोरॉन के बाद में क्या आता है थैलियम तो बैंगन थैली में गाजर आलू बैग में ऐसे याद करना आयोनाइजेशन इन थैलपी सेमी सर्कल काटे थे वो किसकी ट्रिक थी कौ, कौन से ऑर्डर को अपने सेमी सर्कल से याद किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शाबाश वेरी नाइस नव्या वेरी गुड कैलिग्राफी अनुस्तो भावेश ने लिखा नहीं, नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी <coughs> कौन सा वो एलिमेंट है जिसको अपने हाई बॉइलिंग पॉइंट की वजह से मतलब हाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है बोरॉन शाबाश और सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इस फैमिली में किसका होता है सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इस फैमिली में किसका होता है गेलियम का शाबाश शाबाश कैलिग्राफी वर्ल्ड शाबाश सही रोहित अनुस्तुप विश्वास शाबाश तो बस दैट्स इट फॉर टुडे खतम अच्छा सा टेस्ट भी हो गया तुम्हारा है ना और अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है ये भी ध्यान रखना बोरॉन और ये हंड्रेड परसेंट टाइलर है हमारे और अब उम्मीद कर रहे हैं हम इससे ज्यादा रिजल्ट बढ़ जाए लेकिन इसमें खाली हमारे उम्मीद करने से कुछ होगा नहीं तुम्हारी मेहनत करने से बहुत कुछ होगा ठीक है प्रोसीड करते हैं डाइनल में अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको काफी सारा कंटेंट का सपोर्ट मिल जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी के लिए, के साथ साथ एक्सपोजर ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है प्लस का आपके अलग अलग हर हफ्ते टेस्ट होना फिर उसमें रैंक आना तो एक्सपोजर मिल रहा है क्वेश्चंस का और कंपटीशन मिल रहा है यार अगर हम कुछ नॉर्मल सी चीज भी करते हैं ना मतलब एक छोटा मोटा घरेलू कंपटीशन भी करते हैं आज की डेट में जब कोई स्पीकर की तरह बोलना जाता है या तुम कहीं स्कूल में अपनी स्पीच करते हो तो घर में पचास बार बोल के फिर वहां करने जाते हो कोई भी काम तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुम्हारा आउटपुट निकल के आता है एग्जाम्स में और वही प्रैक्टिस मचा के करते हैं प्लस में अपन क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस डी पी पीज एग्जाम्स क्विजेज मेन्स लेवल एडवांस लेवल बच्चों को पूरी तरीके से बिजी रखने का काम और जब आप इतने क्वेश्चन करोगे तो प्लस के बच्चे जनरली हमको ये फीलिंग देते हैं कि कुछ भी क्वेश्चन लेवल ये हमारा किया हुआ है क्योंकि हर एक फंडे पे उनको पोल के फॉर्म में सवाल पर परोसे जाते हैं उन्हें हर सवाल को देख के लग जाता है हमारा क्या हुआ है तो, तो दिस इज द थिंग जो कि हम प्लस पे करते हैं एंड यलगार योद्धा एंड योग्य बैचेस हमारे बैचेस हैं जिसका आप पार्ट बन सकते हैं और अभी तो इसके प्राइसेस बहुत कम हो रहे हैं ये तो रेगुलर प्राइसिंग है जिसको उड़ान तीन उड़ान कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा लेकिन फिलहाल आपको थर्टी मार्च तक ट्वेंटी फाइव परसेंट फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है अगर तो आप ट्वेंटी को टारगेट कर रहे हो तो आप अगर सारे बैचेज में इनफाइनाइट एक्सेस चाहते हो कि भाई कोई भी नया से नया बैच लॉन्च हो हमें उसमें एक्सेस हमें हर बार सब्सक्रिप्शन खरीदना नहीं पड़े तो दिस इज योर सब्सक्रिप्शन देन, ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के अगर तुम एस्परेंट हो और तुम्हें लग रहा है कि यार ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन हो कि आई दिन जैसे कोई बैच लॉन्च होता है आपको वो एक्सेस चाहिए उसकी तो हर बैच की एक्सेस आपको मिलेगी फोर्टी एट थाउजेंड इसमें उड़ान कोड उड़ के थ्रू उसके अलावा अगर आपको एक पर्टिकुलर बैच में जैसे आपने टीचर से पढ़ लिया आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए आपको कि मेरे को फिजिक्स इनसे समझ में आती है केमिस्ट्री इनसे समझ में आती है मैथ्स इनसे समझ में आती है तो उस केस में आपको क्या करना है उस केस में आपको पर्टिकुलर बैच में रोल करना है जिसके प्राइसेस बहुत कम होते हैं लेकिन मेहनत कम नहीं होती है एक्सपोजर कम नहीं होता है कॉम्पिटिशन कम नहीं होता है और आपके क्वेश्चन का जो संख्या है वो कम नहीं होती है ठीक है तो इसमें आपका अंतिम युद्ध है जिसमें एडवांस की क्लासेस अब शुरू होने वाली है योद्धा जो है वो सात हजार पांच सौ में है आपका और यलगार सात हजार पांच सौ में एक एक साल का आपको एक्सेस मिलेगा दोनों में आपको मजा नहीं आ जाए तो बता देना मुझे अगर आप कहीं ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो वन तो अन अकेडमी की फोर्टी वन ऑफलाइन सेंटर्स है जहां आप उड़ान कोड से सब्सक्रिप्शन लेकर के आप पढ़ सकते हो लेकिन सपोज आप ऑफलाइन हो कहीं और तो भी इसको लेने में बिल्कुल बुराई नहीं है मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ ठीक है और ये इसका आप स्नैपशॉट ले लो इसमें आपको सारे कोर्सेस के बारे में गिवन है सारी चीजें किस पे क्या मिलेगा क्रॉस लगाए मतलब नहीं मिलेगा टिक लगाए मतलब मिलेगा ठीक है से फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लस का ये है आपका ठीक है इसके अंदर ये टिक लगा हुआ है मतलब आपके एक्सेस टू थर्टी सिक्स थाउजेंड क्वेश्चन बैंक आपको मिल रहा है ये मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा है ठीक है इस तरीके की चीजें आपको ये गिवन है अगर आप सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वाला ले रहे हो तो क्या चीज तो मिल रही है पीडीएफ मिल रहा है क्लास मिल रही है बैच मिल रहा है नंबर ऑफ टेस्ट मिल रहे हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है वो आप ढंग से देख के फिर सब्सक्रिप्शन लेना ठीक है नाइनटी परसेंट स्कॉलरशिप अडमी सेंटर पर क्लासरूम लर्निंग ऑनलाइन टेस्ट आपका एवरी वेंसडे आठ से नौ एंड सात से आठ एवरी संडे ग्यारह से बारह एहजात से आठ ठीक है इस क्यू आर कोड के थ्रू स्कैन कर सकते हो योद्धाबाद एंड एडवांस का मार्च सोलह से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है यलगार स्टार्ट होने वाला है ठीक है एंड इसके अलावा सेंटर्स जो कि अब खुल चुके हैं बहुत सारी जगह पे 41 सिटीज में खुल चुके हैं और आपके जो आई एंड फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट अप्रैल से तो उसमें आपके अगर आप लेना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं ठीक है एंड बच्चो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना कल मिलते हैं आप अपन कल मिलते हैं कंपाउंड ऑफ बोर फैमिली के साथ ठीक है चलो थैंक यू सो मच बच्चो आई लव यू ऑल और अच्छे से मेहनत करो है ना बाय बाय